हेलो फैमिली दीदी, ये साल क्या कहलाता है? आज दिखाया जाके कार्तिक ने किस्मत मेन्यू चेंज कर दी, जिसकी वजह से सीरत काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और वो देखती है कि कार्तिक है कहाँ और वो पुल के पास में बैठा होता है। सीरत वहाँ पर उसे जाकर गुस्सा होने लगती है। सीरत को कार्तिक बताता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से तो मैंने चेंज किया है। 5 मिनट में तुम यहाँ ट्रेनिंग कर सकती, 5 मिनट में तुम दुल्हन बन सकती हो। और वो काफ़ी खुश हो जाती है, हेल्प करती है। इसी देर में कार्तिक पूल में गिर जाता है और वहाँ पर वंस और कायरो भी होते हैं और वो उसको देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। और वहाँ पर सीरत को भी फिर कार्तिक पकड़ के पूल में धक्का दे देता है और वो नाटक करती है कि वो डूब रही है, लेकिन वो डूब नहीं रही होती, वो तो उसे पूल में धकेलने के लिए कर रही थी। कार्तिक भी जंप करता है जल्दी से और सीरत और कायरो वंस उसके मजे लेते हुए नजर आते हैं। इन सबकी खुशी को देख कर वहाँ पर मनीष सोना भी होते हैं और सोना कहती है कि कम से कम अक्षय और कायरो की खुशी को तो देखिए और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनीष को कुछ समझ में आने नहीं वाला है। उसके बाद में यहाँ पर दिखाया जाता है कि दाली यहाँ पर नहीं आई है और मनीष ने पहले ही कह दिया है कि कार्तिक और सीरत के हाथों से एक शादी वाला कार्ड मंदिर में रखवाना है। और घर वाले मिलकर कार्तिक और सीरत से शादी वाला कार्ड मंदिर में रखवाते हैं। सब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और काफ़ी खुश हो रहते हैं। कुछ देर बाद सीरत को अकेला पाकर यहाँ पर रिया आती है और उसे कहती है कि ग्लूकोज वाली ड्रिंक पी लो, तुम्हें और भी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। उसके बाद में सीरत को गाने सुनाते हुए नजर आती है। इन दोनों के बीच में मुझे कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आती है, तो सीरत भी कहती है तुम्हारी केमिस्ट्री फेल हो गई तो तुम्हें हमारी केमिस्ट्री की पड़ी है। और उसने काफ़ी उसको बहुत मुँह तोड़ जवाब देती है और कहती है यह कहती है तुम दो एक दूसरे को जी जी कहते बुलाते हो दादी के जमाने की जैसे। वो कहती मुझे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी बुलाऊँ तुम्हें इसे क्या। और कार्तिक भी वहाँ पर आ जाता है, कार्तिक कहता हाँ वो मुझे कहीं कुछ जी बुलाए कहीं 1 2 3 बुलाए इससे तुम्हें क्या। और रिया को बहुत ही जलन हो रही होती है इन सब को देखकर। और कार्तिक के करीब जाकर सीरत यहाँ पर कहती है उसका हाथ पकड़कर कि ये कह रही है कि हम दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। और उस रिया को बहुत ही बुरा लग रहा था और वहाँ से चली जाती है। और कार्तिक कहता है कि तुम ऐसा करो मुझे कार्तिक ही कहकर बुलाओ, और सीरत उसे कार्तिक कहकर बुलाती है। वही रणवीर का दोस्त भी रणवीर को कॉल करता है और रणवीर भी उसी जगह पहुँच चुका है और कहता है कि अब तो हम तुम्हारा कभी भी मिलन नहीं होगा, हम कोई भी नहीं जानते थे उसे प्यार करते हो लेकिन तुम कभी उसके सामने नहीं जाओगे। और वो कहता है तुम बार बार ऐसा क्यों कहते हो, और मैं तुम्हें पता ही है ना उसके बारे में, मैं कभी भी उसके सामने नहीं जा सकता, मैंने कसम खाई उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कार्तिक और सीरत वहीं होंगे जहां पर रणवीर भी पहुंच जाएगा। और यहां पर कार्तिक और सीरत की गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है सडनली और सीरत उस पर गुस्सा होती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ रणवीर उसकी आवाज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब यहां पर रणवीर के सामने आ चुकी है सीरत। रणवीर ने तो देख लिया लेकिन क्या वो सीरत के सामने आ पाएगा और होने वाले कार्तिक और सीरत की यहीं पर एंगेजमेंट। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे होती है इनकी मुलाकात।